हाय एवरीवन, एडवांस इंग्लिश यूजेज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए यूज ऑफ मे हैव टू। तो दोस्तों, ये यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं यूज ऑफ मे हैव टू। तो दोस्तों, मे हैव टू जो होता है, मे हैव टू का जो हिंदी अर्थ होता है पढ़ सकता है। जैसे कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मुझे यह घर बेचना पड़ सकता है, मुझे अपनी मोबाइल बेचनी पड़ सकती है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलो हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे? इसको आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। तो दोस्तों, सेकेंड सेंटेंस जो हमारा है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे? आई मे हैव टू लीव यस्टरडी। आई मे हैव टू लीव यस्टरडी। तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। जिसे बोलते नहीं, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तो उसे इसे कैसे बनाएंगे? यू मे हैव टू, यू मे हैव टू गो टू हाउस। चौथा सेंटेंस है दोस्तों, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे? सी मे हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना पड़ सकता है। सी मे हैव टू कुक फूड। फर्स्ट सेंटेंस है जो, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। दूसरा सेंटेंस है, उसे वहां जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये दो सेंटेंस है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।